नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। संगरूर में बकरी गुम हो जाने के मामले में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, एक की मौत, एक गंभीर घायल। जालंधर में मात्र 300 रुपए के लिए दो लुटेरों ने एक प्रवासी युवक की चाकू गोदकर की हत्या, एक घायल। और अब हलचल विस्तार से। पठानकोट जम्मू हाईवे पर स्थित सुजानपुर के पास उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों को टक्कर मार दी गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान सड़क के बीचों बीच गिर गए, जिस कारण एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पठानकोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। अपन जो 10-15 मिनट पहला मैसेज मिला कि करीब 7 बजे एक वंश नाम का लड़का कैलाशपुर का नियर बाई सुजानपुर नाल उहदा कोई दोस्त सी, इह नहीं अजे तक पता लगा। ये पठानकोट साइड तो सुजानपुर नूं जा रहे सी अपनी बाइक ते, ते कोई अननोन व्हीकल उन्होंने हिट करके गया। मौके पर आए हैं जो वंश कुमार का पता लगा, उसकी डैथ हो गई तो उन्होंने हॉस्पिटल भेजे। जो दूसरा वह साथी है वह भी जड़ा वह भी सिविल हॉस्पिटल भेजे। बाकी नियर बाई जो सीसीटीवी है वो उन्होंने घालने हैं। संगरूर में बकरी गुम हो जाने के मामले में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना के बाद हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने शव को थाने के सामने रखकर धरना दे दिया, जिस कारण काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद शव को उठाया गया। वहीं धरने की सूचना मिलते ही संगरूर के एसपी पलविंदर सिंह चीमा और दिड़बा के डीएसपी पृथ्वी सिंह चाहल मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठे लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का समाधान करने का पुलिस प्रयास करेगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और एसपी के भरोसे पर प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। वीरे बकरिया चारन गया थी किसी ना दिहाड़ी ते, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा वीरे। मेरे हाथ बन के बेनती है वीरे, लड़ाई का की कारण बने वीरे? उन्हां दी बकरी खोई गई थी, उन्हां दी बकरी खोई गई सी। ओ कहंदे भी साडे नाल चल, मेरा भरा तां दिहाड़ी ते थी, ओ कहंदे नाल चल। ओ नाल ले गए मेरे भरा नूं, उन्हां नूं पता नहीं सी वी उत्थे सानूं ऐ ढा लैणगे। उन्हां नूं कोई भी पता नहीं सी, ओह तां पालण गए सी, ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ 10-15 ਬੰਦੇ ਅਤੇ 5-7 ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। 5-7 ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-7 ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਬਲਾਂ ਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਘੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੇ ਸੱਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਸੀਸੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ SC ST ਐਕਟ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 302 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ DDR ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠਹਿਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਰਬੋਰਿੰਗ ਦੀ FIR ਦਾਂਗੇ।
जालंधर में मात्र 300 रुपयों के लिए दो लुटेरों ने एक प्रवासी युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान प्रवीण शुक्ला निवासी बहराइच यूपी के तौर पर हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक प्रवासी के रिश्तेदार राजेश ने बताया कि गत देर रात्रि प्रवीण शुक्ला अपने दो अन्य साथियों के साथ ट्रेन से उतरकर कपूरथला जा रहे थे। जब वे दमोरिया पुल के निकट पहुंचे तो दो नकाबपोश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और चाकू की नोक पर लूट का प्रयास किया। जबकि प्रवीण शुक्ला और उसके साथियों ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने चाकू से प्रवीण शुक्ला पर प्रहार कर दिया, जिस कारण प्रवीण शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका एक अन्य साथी लालू शुक्ला गंभीर घायल हो गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि वे पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है और पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ने अपने प्रवासी भारतीय गोंडा जिले तो बैठे थे, उन्होंने कपूरथला जाना सीगा, पर इन द मीन टाइम उन्होंने कोई चचेरे भरा सके पटेल चौंक दे रहे, उन्होंने कहा कि साढ़े को आ जाओ तो इतों थानू सब्जी सुब्जी का काम करा देंगे। साढ़े 10 बजे ट्रेन पहुंची है जी, गोल्डन ट्रेन चलती है, ट्रेन उतर के पैदल इतों रेलवे स्टेशन तो बाया दमोरिया पुल पटेल चौंक जा रहे थे। जो दमोरिया पुल के नेड़े आए हैं तो दो अणपछाते बंदे है, वो लुटती नीयत नाल उन्होंने पे है, तो वो जो उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट करके वो दो जोड़े उन्होंने जो नाइफ के नाल छुरे के दो स्टैब किया, जी मौके पर ही डैथ हो गई है, तो जाते जाते 300 रुपया भी लाए। जालंधर में नगर निगम की बिल्डिंग विभाग की टीम की ओर से तड़क सार अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मंडी रोड पर 5 दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान ATP सुखदेव सिंह की देखरेख में निगम टीम ने पुरानी बिल्डिंग की आड़ में बन रही दुकानों को तहस नहस किया। ATP सुखदेव सिंह ने बताया कि निगम कमिश्नर अभिजीत कपलेश के आदेशों पर यह कार्यवाही की गई है। ये दुकानें किसी आनंद नामक व्यक्ति की हैं, जिन्हें पहले भी नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके चलते सख्त एक्शन लिया गया है और आने वाले दिनों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तकरीबन 5 के करीब दुकाना पुरानी बिल्डिंग पुरानिया द्वारा रखे अंदर नवे पिलर स्लैब पाली थी, बीम भी नवे पाए तो दिखी रहे होने, तो मान जो कन्वीनर साहब के हुक्म मिले थे भी इस तरीके की कोई भी जी अणअधिकारन सारी है उसे कार्रवाई की जाए, तो अज अभी इतने 5 के करीब इन्होंने बनाइया से अद्धे प्लाट बना लिया, पिछले पास अद्धा खाली है, तो स्लैब पाई थी, इन्होंने नोटिस भी जारी किया, हजे उदो स्लैब नहीं पाई जो नोटिस जारी किया, पर इन्होंने अपने जवाब भी दसिया भी असी सिर्फ रिपेयर करनी है, पर इतने सारे नवे पिलर है, नवी स्लैब है, तो बीम भी नवे है, जो नवे पिलर से नवी स्लैब होती है तो उन्होंने नवी जारी करते। पंजाब में कर्जे से परेशान किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके चलते संगरूर के गांव तोलावाल में एक बुजुर्ग किसान ने खेतों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान की पहचान गुरमेल सिंह के रूप में हुई है, जिस पर 7 लाख रुपए का कर्ज था। मिली जानकारी के मुताबिक 62 वर्षीय किसान गुरमेल सिंह के पास 1.25 एकड़ जमीन है, उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। गुरमेल सिंह पर कुछ कर्जा सरकारी बैंकों का है, जबकि बाकी रकम आढ़तियों और दूसरे लोगों से ली हुई थी। उसने यह कर्ज अपनी पारिवारिक जरूरतों की वजह से लिया हुआ था और उसे कर्ज लिए 10 वर्ष हो चुके थे। उसके परिवार को खेती में इतनी इनकम नहीं होती थी कि वह कर्जा चुका पाता और कर्ज देने वाले काफी समय से अपनी रकम लौटाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिस वजह से गुरमेल सिंह काफी परेशान चल रहा था। इसी कारण गत दिवस उसने अपने खेतों में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का सुनाम सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। गुरमीत सिंह जानी लंबे समय तो कर्जे तो पीड़ित आ रहा थी, वो कर्जे की मार ना झलता होया कल खेत दे विच जानी अपने गल दे विच अपने परना पा के जानी खुदकशी कर गया।
ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ। ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਤੋਲਾਵਾਲ ਸੀ, 60-62 ਸਾਲ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 7-8 ਲੱਖ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। जालंधर में मशीन एक्सपो 2023 का आगाज नई दाना मंडी जालंधर में किया गया, जो कि 3 दिन तक चलेगा। इस एक्सपो का शुभारंभ विधायक रमन अरोड़ा और जिलाधीश जसप्रीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रिबन काट कर किया। ये प्रदर्शनी डायरेक्टर चरण सिंह की अध्यक्षता में लगाई गई। इस एक्सपो में इंडस्ट्री के साथ जुड़े कारोबारियों ने भाग लिया। इस एक्सपो में कुसुम बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी का स्टॉल चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में विजिट किया। इसमें पैकिंग मशीनरी, टूल एंड कंज्यूमेबल्स को दिखाया गया। इस मौके पर MD करमजीत सिंह, COO कमलजीत कौर, दीपक बाली, प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, तेजिंदर सिंह भसीन, CEO दीपक चुग, अभिनव चुग, डायरेक्टर अभिषेक चुग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज दाना मंडी के बीच 5 दिन का मशीन एक्सपो लगाया गया, वख वख तरह दिया मशीना दी एग्जीबिशन लगी है, जिदे विच बड़े कारोबारियों ने भी वो लोगों ने आके उत्थे विजिट किया। मैं देख के बड़ा खुश हाँ कि मान साहब की साड़ी सरकार है जो जलंधर दे विच इन्ना अच्छा उपराला कर रही, भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी दी मशीना जो जलंधर दे विच आईयां, जिहड़े वो मशीना नूं देखण वास्ते जिहड़े मेरे व्यापारी वीर इंडस्ट्री तो आए आ, उन्होंने अलग अलग तरह देख के परख के उन्हां चीज़ां नूं मशीनां नूं देखिया और नवीं टेक्नोलॉजी दियां दा ज्ञान प्राप्त किया। इस करके मैं इत्थे दे जिहड़े जिन्होंने लगाई है, मैं उन्हां नूं बहुत बहुत बधाई भी दिंदा और धन्नवाद करदा कि जलंधर दे विच जिहड़ा इह उपराला सारी इंडस्ट्री ने किया, इन्हां दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा। मैशन एक्स एक्सपो ते हैगे आ, इह 3 दिन चलनी है, 10, 11, 12 फरवरी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ग्रेन मार्केट जलंधर दे विच। ਸਾਡਾ ਹੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਲ ਮੰਨ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੇਮ ਕੁਸੁਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ MD ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਨਵ ਚੋਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਹੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਹੋ, ਟੇਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਹੋ, ਕਾਟਨ ਸਟ੍ਰੈਚ ਰੈਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਸਨ ਫਰੋਮ ਬੈਲਕੋ ਸਪੋਰਟਸ। ਮੈਂ ਕੁਸੁਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਏ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਫੋਰ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੋਰ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। दुबई के ट्रैवल एजेंट के जाल में फंसी एक दलित महिला को बचाने और एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए ह्यूमन राइट्स की राज्य प्रधान बीबी जसविंदर कौर सोहल द्वारा इंसाफ की गुहार लगाई गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस को शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने से भाग रही है, जबकि दुबई में उक्त महिला को मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। इस दौरान पीड़ित परिवार के सदस्यों को मीडिया के समक्ष रूबरू करते हुए बीबी सोहल ने बताया कि यह मामला जालंधर जिले के गांव गोराया के नज़दीक का है, जहां गुरप्रीत कौर नामक एक महिला को उसके ही गांव के एक एजेंट चमकौर सिंह द्वारा 1,17,000 रुपये देने के बाद दुबई भेजा गया था, जहाँ पर उसके साथ किए वायदे के मुताबिक उसे वेतन भी नहीं दिया जा रहा और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया है, जिसके चलते पीड़िता द्वारा एक वीडियो बनाकर इंसाफ की गुहार लगाई गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पूरा मामला इदा जी, मेरे घर वाली गुरप्रीत दुबई च एजेंट लैके गया सी जी,
तो कहता सी मैं उन्हूं कहता कंपनी च ला दूंगा काम ते ला दूंगा कहता 25-30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होगी उत्थे जाके उन्होंने ठगी कर ली साडे नाल धोखा किया साडे नाल ज़्यादा तो बाद च मेरे तो 1,00,000 रुपया मंगा लिया जी 1,00,000 रुपया मंगा के कहता मैं इनू वापस भेज दिना जी 8-25 तरीकों 1,00,000 रुपया ही भेज दिता कहना 4 तरीकों भेज दिना तो इदा इन्हें महीना 1.5 महीना लगाता जी ना उन्हें फिर बाद उन्हें फोन बंद कर लिया जी जो उत्ते केस पाया फिर उन्हें फोन खोलना शुरू करता कहता रब तो मैं कहता मेरे मोहरे मोहरे भजदा कहता तो मैं कहा अच्छा रब मोहरे मोहरे भजदा फिर वह मेरे ना कट्टे गल करता सगा जी तो उन्हें जानी साढ़े ना बहुत ठगी की जी सू तो इंसाफ चाहिए आ यह मनुखी अधिकारों की बहुत वड्डी कांड हो रही है कि साडी बच्ची नूं उत्थे पहुँचाया गया और उस तो बाद उन्हूं इस तरीके नाल उत्थे हरासमेंट हो रही है और अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा जो मतलब है यही है कि तुहाडे राही असी यह संदेश पहुँचाना चाहते हैं पंजाब के सीएम साहब नूं भी क्योंकि मेरे ख्याल नाल बहुत लोग इत्थे मीडिया च यह भी पता कि यह वीडियो बहुत दिनों तो वायरल हो रही है जो एक लड़की की दुबई तो ते अगर असी लोग अवेयर हाँ या तुसी भी इत्थे बैठे सोशल मीडिया तो अवेयर हो तो मेरे ख्याल नाल साडे जिहड़े लोकल मंत्री या फिर सीएम साहब सारे इस गल तो अवेयर ही होणगे कि इदां करके साडे पंजाब दी एक धी दुबई च फसी हुई है। देखो एक नीडी परिवार है जरूरतमंद परिवार है जिन्हां ने आपदी कह लो कि वाइफ या अपनी धी दुबई भेजी एक काम के लिए क्योंकि घर के पैसों की किल्लत होण करके एक 20-25 हज़ार रुपये की जॉब के लिए उस बच्चे नूं बाहर भेजे। संत बाबा निर्मल दास चैरिटेबल अस्पताल द्वारा 5 मार्च को लगाई जाने वाले चिकित्सा शिविर के संबंध में जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल को निमंत्रण देने के लिए पंजाब वाल्मीकि कमेटी के सदस्य पहुंचे। इस मौके पर पंजाब वाल्मीकि कमेटी के चेयरमैन राजकुमार राजू संत बाबा निर्मल दास और पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू अपने सहयोगियों के साथ कमिश्नर ऑफिस में पहुंचे और कमिश्नर को निमंत्रण पत्र प्रदान किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद असी अज आए सी साहब नूं मिलने वास्ते असी उन्हां दी अरदास भी करन आए सी कि मालक कृपा करे उन्हां नूं वेलकम करन आए सी ते जिथे वेलकम करदे उत्थे उन्हां नूं बेनती भी करन आए सी कि बहुत वधिया साडा इह इलाका आ इहदे विच वधिया ऑफिसर जिहड़े वधिया काम करनगे असी इसी लई उन्हां नूं अरदास करन आए सी कि तुसीं बहुत वधिया इस अपने इस इलाके नूं आप जी ने सारी तरह देखना और सारी तरह उन्हां नूं सहूलतां देनियां जो भी आप जी वल्लों है सो बहुत बहुत धन्यवाद सानूं जो प्यार नाल उन्होंने बहुत प्यार नाल सानूं मिले आ। अज बड़ी खुशी हुई है कि साडे जलंधर दे विच कुलदीप सिंह चाहल जी जो एज ए कमिश्नर आए हैं पुलिस कमिश्नर तो असं उन्होंने अब मिलन आए हैं तो बड़ी खुशी हुई बड़ी अच्छी सोच है और साडा जो संत प्रीतम दास मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल 5 मार्च में कैंप लगाया जा रहा खाना फ्री कैंप लग रहा वो वास्ते इनविटेशन देना है और संत बाबा निर्मल दास जी महाराज ब्लैसिंग करना है क्योंकि महापुरशों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है और चंगे जिहड़े ऑफिसर होना बड़ा जरूरी है तो साडे शहर दे विच आए हैं तो असीं उन्हां दा वेलकम करते हैं जी आंदे हैं और परमात्मा की अरदास करते हैं कि वधिया तंदुरुस्ती बख्शिश करन वधिया जिंदगी बतीत करन और वधिया सोच लैके समाज नूं चंगी सोच दे। डीआर प्रमोशन की ओर से गायक आरवी के गाने का पोस्टर रिलीज किया गया। इस मौके पर कलाकार अरविंदर भट्टी और गाने के गायक आरवी ने कहा कि ये गाना आजकल के गन कल्चर से दूर है। इस गाने का थीम लव स्टोरी है और वे उम्मीद करते हैं कि ये गाना लोगों को जरूर पसंद आए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गीत एक मेलोडियस सॉन्ग है जी, एक लव नू एक्सप्रेस करदा होया ते इहदे बोल भी बड़े अच्छे ने। वैस्टर्नाइज्ड म्यूजिक दे नाल इहनूं आपां कोरलेट करके बनाया होया ते इहदे बोल जिहड़े आ आपणा कल तो लॉन्चिंग है इहदी, कल तुहानूं सारा गाना फुल फ्लैज मिल जाएगा। इहदे मैं 2 बोल तुहानूं वैसे गुणगुना के सुना दिंदा। लैवल एडवांस बड़ा अड़िए तेरे संगणे दा, टंग तां बहुत नवां ऐ अड़िए तेरे डंगणे दा, मेरी तेरे तो ना हटदी निगाह, तैनूं वेख वेख चढ़ी जांदा चा, सदरां हलाक मेरियां मेरियां। साढ़े शहर की बड़ी खूबसूरत आवाज़ है जी आरवी। आरवी का नवां गाना जिहड़ा अज पोस्टर रिलीज किया गया अप टू स्नफ। गाना रोमांटिक है, जिवें तुसीं जानते हो अजकल रोमांटिक दिन चल रहे हैं, वैलेंटाइन डे आ रहा, उन्हूं मुख रख के इन्होंने ये दिन चुने हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गाना है। उहदा म्यूजिक एस्थेटिक्स ने दिता, मेरे नाल खड़े ने। तो सब तो खुशी वाली गल मैनूं ये लगी है कि गन कल्चर तो इन्होंने प्रेरित किया। अजकल जिवें तुसीं जानते हो कि हर गाने च
ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जालंधर देहात के थाना करतारपुर और सीआईए स्टाफ की पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्यवाही करते हुए लूटपाट करने वाले और फिरौती मांगने वाले विदेश में बैठे लखबीर सिंह लंडा गैंग के चार सदस्यों को हथियारों सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जालंधर देहात स्वर्ण सिंह ने बताया कि करतारपुर थाने के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह, सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह और किशनगढ़ चौकी इंचार्ज व पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्यवाही करते हुए लूटपाट करने और फिरौती मांगने वाले खतरनाक गिरोह के चार सदस्यों को काबू किया है, जिनके पास से दो पिस्तौल, 32 बोर, 10 जिंदा रोंद, दो मैगजीन, एक देसी पिस्तौल 9 mm, दो जिंदा रोंद, एक कट्टा 12 बोर, एक जिंदा रोंद और दो मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है, ताकि उनका रिमांड हासिल किया जा सके और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर रूरल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि आज अपने विजय कुमार नाम का एक व्यक्ति, जो हमको पहले भी कुछ मुकदमे में वांटेड था, 1/11/2022 को अपने भोगपुर में हमने कुछ बंदे एक्यूज पकड़े थे, जिनमें से ये था, एक मिसिंग था और ये भाग गया था। इसको हमने अभी पकड़ा है रिसेंटली, और इसके साथ इसके तीन साथी और थे, जिन्होंने मतलब और फिरौतियाँ लेने, लोगों को डरा धमका के पैसे लेना, ये इनका काम था। और हमको इन्फॉर्मेशन मिलने पर नाकाबंदी करके करतारपुर जुरिस्डिक्शन में हमने चारों को काबू किया और इनसे हमको चार वेपन बरामद हुए, 13 लाइव राउंड्स, दो मोटरसाइकिल और मैगजीन्स जिनी है वो हमको बरामद हुई हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। संगरूर में बकरी गुम हो जाने के मामले में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, एक की मौत, एक गंभीर घायल। जालंधर में मात्र 300 रुपए के लिए दो लुटेरों ने एक प्रवासी युवक की चाकू गोदकर की हत्या, एक घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।